गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपका पार्ट टू लेकर के आई हूँ क्लास टेन का। इसमें हमने आपको पढ़ाया था सामान्य रोग कारण और उपचार, इसी में आपका ये पार्ट टू लेकर के आई हूँ। और इसमें आपके कुछ सामान्य संक्रामक रोगों के बारे में आपको बताएंगे और उनको भी बारी बारी से डिटेल करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ सामान्य संक्रामक रोग, कुछ इसमें संक्रामक है, कुछ ऐसे है जो और भी अन्य तरीके से होते हैं। इसमें देखिए पहला हमारा चेचक या बड़ी माता। क्या है चेचक या बड़ी माता? जो है जिसको हम स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स कहते हैं, छोटी माता स्मॉल पॉक्स, और आपकी जो बड़ी माता हो चिकन पॉक्स या चेचक कहते हैं। खसरा जिसे हम अंग्रेजी में रुबेला बोलते हैं, और डिप्थीरिया जिसको हिंदी में रोहिणी कहते हैं। यानी इनके पहले सबसे पहले आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, कौन कौन से रोग हमारे सामान्य रोग में आते हैं, कौन कौन से रोग हैं, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे लिखा ऊपिंग कप जिसे हम काली खांसी कहते हैं, जो हमारे गले को यानी बच्चे के गले को प्रभावित करता है। टिटनेस है और जो इंजेक्शन से हो जाता है और ये संक्रामक रोग भी है। अब आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी। इसके बाद टाइफाइड, पीत ज्वर, ये हमारे क्या है पीत ज्वर होते हैं और जिसको हम एलो फीवर कहते हैं। क्या है एलो फीवर कहते हैं। मस्तिष्क ज्वर जिसे हम मेनिनजाइटिस कहते हैं। क्या होते हैं मेनिनजाइटिस, जो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। और रेबीज, रेबीज रोग होता है जो कुत्ते के काटने से होता है। किससे होता है? जो कुत्ते के काटने से होता है रेबीज रोग। और इससे जो होता है जो पागल जैसी हरकतें करने लगता है बच्चा या बच्चे या किसी को काट लेता है, तो इसका इंजेक्शन जो लगता है नहीं लगाया जाता है तो बच्चे को जो है काटने लगते हैं। मतलब कि इसमें 6 महीने तक इसका जो असर करता है इस बैक्टीरिया का, जिसकी वजह से कभी कभी 6 महीने बाद उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है। पीलिया, पीलिया हेपेटाइटिस इसको कहते हैं, और पीलिया को हम अंग्रेजी में जॉन्डिस कहते हैं। ये हमारे लीवर को प्रभावित करते हैं। किसको प्रभावित करते हैं? ये हमारे लीवर यानी को प्रभावित करते हैं और लीवर संबंधी रोग होता है। यदि इसका सही इलाज नहीं किया जाता है तो बच्चे की डेथ हो जाती है। किसकी? बच्चे की या किसी भी व्यक्ति को हुआ रहता है उसकी डेथ हो जाती है इसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि लीवर खराब हो जाता है तो कुछ हमारा सारे सिस्टम की सारी चीजों को कंट्रोल करने वाला हमारा लीवर होता है, और लीवर हमारा बनाता भी है चीजों को और उसको स्टोर भी करता है और बेस्ट चीजों को बाहर निकालने का भी काम करता है। यानी लीवर का बहुत अहम रोल होता है। और यदि हमारा पीलिया जो होता है, पीलिया से और भी कई स्टेज होते हैं, हेपेटाइटिस ए बी सी डी, इस तरह से इसकी स्टेज होती है। धीरे धीरे इसका इलाज सही तरीके से ना किया जाए तो व्यक्ति की डेथ हो जाती है। अब आते हैं और भी इसमें है हमारे, इसमें हमारा मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, हाथी पाव। देखिए मलेरिया हमारे मच्छर से फैलने वाला रोग होता है, डेंगू भी आपके मच्छर से फैलने वाला है, और चिकनगुनिया है, हाथी पाव जिसमें पैर जो होते हैं फूले से हो जाते हैं, बहुत ही फूल जाते हैं हाथ पैर, और इसको हम फाइलेरिया कहते हैं या हाथी पाव कहते हैं। इसका इलाज सही समय पर नहीं किया जाए तो परमानेंट के लिए उस बच्चे या उस व्यक्ति की, उस किसी भी को हो सकता है ये पैर जो है हमेशा के लिए होता है फूल जाते हैं। फूड प्वाइजनिंग ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ये आपको बताऊंगी। फूड प्वाइजनिंग यानी भोजन विषाक्तता। क्या है? भोजन विषाक्तता होती है, यानी कभी कभी हम ऐसे भोजन कर लेते हैं जो विषाक्त होते हैं, जो प्रदूषित होते हैं, और हमारे शरीर में वो जाने के बाद क्या करते हैं, वो नुकसान देह होते हैं। क्या होते हैं? कभी कभी हमारे उल्टी दस्त शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ कभी कभी व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, ज्यादा पॉइजनिंग फूड को वो खा लेता है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारी सामान्य बीमारियां हैं, सामान्य रोग हैं। अब मैं आपको इसमें से बताऊंगी ये रोग कब होते हैं और उनका क्या उपचार है और इसके लिए क्या क्या चीजें की जाती है। तो ये मेरी सेकेंड वीडियो है, मैं तीसरी आपकी वीडियो इसमें लेकर के आऊंगी। तब तक ये आप याद कर लीजिएगा और हमें आप इसको कमेंट में बताइएगा कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, और अवश्य इसको आप याद कर लीजिएगा। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।